हिंद। 30 वर्ष का एक आदमी नीलेश तेलगड़े, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर। एक ब्राह्मण साधु महाराज जिनका नाम सुशील गिरी महाराज, 35 साल के, और एक 70 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति, माननीय एक महाराज, एक साधु कल्प वृक्ष गिरी महाराज। इन तीनों की भीड़ ने मार मार के हत्या कर दी, आप सबको पता होगा। अभी देख लेना तुम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने वाले इसमें आ जाएंगे। बहुत बड़े जहर है, बहुत बड़े नमक हराम है, बहुत बड़े हराम खोर लोग हैं जो किसी भी मॉब लिंचिंग में हिंदू मुस्लिम एंगल ढूंढने लगते हैं। ध्यान रखना, और जो भी इसकी बात करेगा इनसे बच के रहना। अभी मैटर ये सब का नहीं है। अब एक बात, सबसे बड़ा मेरा जो सवाल है ना, वो ये है उन लोगों से, कहां गए वे हिपोक्रेट्स, कहां गए वो लोग जो तख्ती वाली एक पूरी गैंग है जो खड़ी हो जाया करती थी, कहां गए वो ट्विटर पे वॉर चलाने वाले, युद्ध चलाने वाले, कहां गए वो लोग जो अफजल गुरु जैसा हरामखोर आतंकवादी मरता है, या बहुत बड़े बड़े आतंकवादी जब मरते हैं तब सालों को बड़ा सुरक्षित फील होने लगता है इस देश में। अब क्या हो रहा, जब दो संत और एक वो रोज कमा के खाने वाला इकलौता घर का कमाने वाला वो लड़का था नीलेश ड्राइवर, जब वो मरा, अब क्या हुआ? अब असुरक्षित फील नहीं हो रहा अभी तुम लोगों को? क्या हुआ बड़े? वरना ट्विटर पे तो जंग छिड़ गई होती, ये ट्रेंडिंग वो ट्रेंडिंग, लेकिन अब क्या हो गया? बहुत सारे लोगों ने कहा कि भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती है, इनका कोई चेहरा नहीं होता, इसलिए हर बार बच जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इस बार इस भीड़ की शक्ल होना बहुत जरूरी है। कल को भीड़ किसके बच्चे को मारेगी, किस बूढ़े को मारेगी? वो एक संत बेचारा, एक संत व्यक्ति यार, जो कुछ नहीं कर रहा था। 110 लोगों को अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार, जिसमें से 9 लौंडे हैं ना, जिनको अब जुवेनाइल के लिए बहुत सारे एनजीओ खड़े हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। कहां गए मानवाधिकार वाले, वो वाले लोग जो आतंकवादी का मानवाधिकार देखने लगते हैं? कहां गए वो लोग? बिल्कुल 3 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट को खुलवाने के लिए खड़े हो जाते हैं। अब क्या हो गया? अब नहीं होगा, अब बिल्कुल शांत हो जाएंगे और गायब हो जाएंगे। पुलिस ने केस दर्ज कर दिया है, 110 लोगों को गिरफ्तार किया और उनकी रिमांड है 30 अप्रैल तक के लिए। पता है अभी इनको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसका सलूशन होना पड़ेगा। पब्लिक में जब एक संत को मारा जाता है, सुनो मुझे ये हिंदू मुस्लिम वाली चीज से नफरत थी, है और रहेगी, मैं आज पर कह रहा हूं। अच्छा, और रही बात मेरी, चाहे वो तबरेज अंसारी का मामला हो, चाहे वो चंदन गुप्ता का मामला हो, हर बार जब जब मॉब लिंचिंग हुई है, याद रखना मेरे वीडियो उठा के देख लो, मैंने ये बात कही है, सिर्फ मुसलमान नहीं मर रहा है, सिर्फ हिंदू नहीं मर रहा है, यहाँ पर हिंदुस्तान मर रहा है, यहाँ पर हिंदुस्तान के कानून का डर मर रहा है, और वो इंसान के अंदर का ईमान मर रहा है जो पत्थर चलाते। इन लौंडों को तुम बच्चों में गिरोगे? जो बूढ़ों को वहां पर मार मार के लाठियों से, हथियारों से उनको मार डाला, इसके लिए क्या कहोगे भे? इसके लिए क्या इसको भी तुम धर्म का एंगल देना चाहते हो? इसको भी हिंदू मुस्लिम में बांटोगे? तो FIR रजिस्टर किए गए, जितनी इन्फॉर्मेशन लिमिटेड है मेरे पास, लेकिन जितनी है उसके हिसाब से ये बहुत क्लियर है। 6 सेक्शन लगे हैं इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता के हिसाब से, सेक्शन 302, सेक्शन 148, सेक्शन 149, इसके अलावा 120B, सेक्शन 427, ये 6 धाराएं लगी है इन लोगों के ऊपर। कानून की कमी नहीं है, कानून सही है, कानून मॉब लिंचिंग के खिलाफ बहुत तगड़ा है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। CID को इसको हैंडओवर कर दिया गया है, 2 सब इंस्पेक्टर थे वो इसमें सस्पेंड हो चुके हैं। धारा नंबर 34 क्लियरली है, जहां पर कॉमन इंटेंशन होती है, चाहे भीड़ के जितने भी लोग थे उनकी एक इंटेंशन क्लियर थी, इन साधुओं को मारना। जब तक ऐसे हरामखोरों को, जब तक ऐसे लोगों को जो कानून को कुछ नहीं समझते हैं, जब तक कानून का डर पैदा नहीं होगा, ऐसी होती रहेंगी दुर्घटनाएं। इसलिए ध्यान रखना ये बात, तो क्यों कानून अपनी ताकत दिखा गए इन हरामखोरों को, कम से कम फांसी की सजा नहीं दिलवा सकता।